वेलकम टू माय वीडियो खरियाज वीडियो कुकिंग हैक्स में आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इमली की मिनी चटनी बनाने की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, न्यू रेसिपी है, नए इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं बना रही हूँ इसमें और ऐड कर रही हूँ नए इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत ही हेल्दी हैं एंड रिच सोर्स ऑफ वाइटमिन एंड मिनरल्स हैं जो एनेमिक पेशेंट्स हैं एंड शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेस्ट चटनी है। ये चटनी का ऑप्शन है तो आप ज़रूर इसको बनाएं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स। मेलन सीड या वाटरमेलन सीड्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे 3 to 4 स्पूनफुल एंड 2 टेबल स्पूनफुल ब्लैक सॉल्ट, 2 टेबल स्पूनफुल ब्लैक पेपर, ये सभी इसके टेस्ट को एनहेंस करते हैं। 3 to 4 टेबल स्पूनफुल जीरा, रोस्टेड जीरा पाउडर ले रहे हैं यहाँ पे, तो रोस्टेड जीरा पाउडर होना चाहिए एंड 2 टेबल स्पूनफुल रेड चिली पाउडर। इसको मीठा करने के लिए मैं यहाँ पे चीनी यूज़ नहीं करूँगी, हम गुड़ के साथ या जैगरी जिसे कहते हैं उसके साथ बना रहे हैं। और मेक श्योर कि अगर आपको ये ज़्यादा ब्राउन वाली जैगरी मिल जाए वो बेस्ट होती है क्योंकि और वो प्रोसेस्ड नहीं होती है। एंड अब देखिए ये जो इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, इमली के साथ साथ मैं यहाँ पिंड खजूर, अंजीर और मुनक्का ले रही हूँ जो कि बहुत ही रिच सोर्स ऑफ वाइटमिन एंड मिनरल्स है। इसमें सभी तरह के जो एसेंशियल मिनरल्स एंड वाइटमिन्स हमारी ब्लड के होते हैं बॉडी में रिक्वायर्ड वो हैं इसमें, तो ये आपके लिए हेल्थ बेनिफिट काफ़ी देते हैं तो इसलिए आप ये ज़रूर ऐड करें जब भी इमली की चटनी बनाएं। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम 200 ग्राम पिंड खजूर एंड 100 ग्राम मुनक्का, 100 ग्राम अंजीर एंड 200 ग्राम इमली ले रही हूँ। ये इमली, पिंड खजूर एंड मुनक्का, ये एंड अंजीर, ये सारे बहुत ही मिल के काफ़ी रिच और हेल्दी हो जाते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ये काफ़ी रिच होते हैं, इन हेल्थ बेनिफिट काफ़ी होता है इनका, तो इसलिए मैंने ये रेसिपी बनाई, ये तैयार किया। ये देखिए अब हम इनको सेपरेटली बॉयल करेंगे, बट बॉयल करने से पहले आप इसको अच्छे से वॉश कर लें, 2 से 3 पानी में इसको अच्छे से वॉश करना है, फिर इसको तभी इसको हम आगे फिर से चटनी बनाएंगे। तो मैंने इसको तैयार कर लिया था वॉश करके, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक स्टील के गहरे बर्तन में या एक पैन में आप अंजीर, मुनक्का एंड पिंड खजूर अलग बॉयल करेंगे। 5 to 6 मिनट्स के लिए इसको बॉयल करना है सो दैट ये अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे एंड फिर इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे। एंड इमली अलग बॉयल करनी है बिकॉज इमली में जो सीड्स हैं, सीडलेस लिया है वैसे तो मैंने, लेकिन कुछ सीड्स रह जाते हैं और भी इसमें जो वेस्ट पार्ट होते हैं वो हम छान के हटाएंगे, तो इमली को सेपरेटली बॉयल करना है एंड अंजीर, मुनक्का एंड डेट्स को अलग बॉयल करना है। तो 5 to 6 मिनट्स के लिए इसको बॉयल कर लेंगे। देखिए ये बॉयल हो गया है, अब एकदम सॉफ्ट हो गए हैं ये सारे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं और इनको अब इनके सीड्स निकालना है मुझे। मैंने भी यहाँ पे जो डेट्स लिए थे उसमें सीड्स हैं, तो मुनक्का और डेट्स के हमें सीड्स निकालने हैं। एक स्टील के फॉर्क की हेल्प से ये इजीली हो जाता है बिकॉज अभी ये गर्म है, तो या जब ये ठंडा हो जाए तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप एक फॉर्क की हेल्प से इसको, क्योंकि अभी ये गर्म है, सॉफ्ट हैं तो जल्दी से निकल जाता है सीड्स, मैश करते हुए एक फॉर्क की हेल्प से आप ये सीड्स निकाल सकते हैं एंड जब ये निकल जाएँ तो हाथों से चुनको उसको हटा देंगे हम। देखिए इस तरीके से अभी इसमें मुनक्का के सीड रह गए हैं, तो मुनक्का के सीड्स को निकालने के लिए भी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ आगे। आप चाहें तो चटनी बनाने के पहले ही इसको, जब वॉश करने के पहले, वॉश करने के बाद हाथों से आप ये सीड्स निकाल सकती हैं, बट मैंने इसको इस तरीके से इस प्रोसेस से निकाला है। अब ये हम इसमें से मुनक्का सीड निकालेंगे, तो उसके लिए एक इसको गहरे बर्तन में इसको लेके एंड इसमें हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे जिससे कि इसके जो मुनक्का सीड्स हैं वो काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं तो वो ऊपर इसमें फ्लोट करते हैं ईज़िली। आप एक कल्छरी की हेल्प से इन फ्लोटेड सीड्स को निकाल सकते हैं, ये देखिए ये भी बहुत जल्दी से आसानी से निकल जाता है। तो ये सारे सीड्स मैंने अभी निकाल दिए हैं, अब मैं इसमें मिक्स करूँगी इमली का जो पल्प हमने बनाया, बट उसके लिए सबसे पहले हम इमली को छानेंगे। ये बॉयल हो गई है इमली और इसको हम छानेंगे, सो इससे जो इसके सीड्स और वेस्ट पार्ट हैं वो हम सेपरेट इसको हटा देंगे। तो ईज़िली देखिए छान लिया है मैंने और ये सारा वेस्ट अब ये हटा देना है एंड जो इसका पल्प है वो हम, जो हमारा मिक्सचर है ये डेट, मुनक्का एंड अंजीर का, उस मिक्सचर में हम इसको ऐड कर देंगे इस इमली पल्प को एंड फिर इसमें हम जैगरी ऐड करेंगे एंड उसको बॉयल होने के लिए रखेंगे।
तो अब इसमें जैगरी ऐड कर देंगे। 300 ग्राम्स जैगरी मैं इसमें ले रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छी मीठी बन जाती है। नेचुरल जो स्वीट्स हैं, नेचुरल स्वीट का जो ऑप्शन है अंजीर, मुनक्का एंड डेट्स, वो तो हमने लिए ही हैं, तो उससे मिठास आती है, वो नेचुरल स्वीट है। और जैगरी भी यूज़ कर रहे हैं इसको और भी अच्छा मीठा बनाने के लिए। शुगर आप चाहें तो चीनी ऐड कर सकती हैं, बट शुगर से अच्छी यहाँ पे इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और जैगरी ज़्यादा अच्छा होता है, ये ज़्यादा हेल्दी होता है। तो हम मैं यहाँ पे ये गुड़ ले रही हूँ। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल करना है, और बॉयल करते हुए आप इसको स्टर करते रहें सो दैट ये जलेगा नहीं बॉटम में। अब इसको हम डायरेक्टली इसको ग्राइंड नहीं करेंगे, पहले इसको छान के इसका पानी हटा देंगे, बिकॉज पानी के साथ प्रॉपरली नहीं हो पाता है जार में। तो एक मिक्सर ग्राइंडर में जार में आप ये पल्प ले लें और इसका पानी हम छान के सेपरेट रख देंगे, उसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये जल्दी से ये छन जाता है एंड एक जार में इसको हम ग्राइंड करेंगे। फिर ये देखिए ये हो गई है ग्राइंड चटनी, और अब इसको हम बॉयल करने रखेंगे 3 से 4 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे, और इसको आप लगातार चलाती रहें सो ये जलेगा नहीं बॉटम में। तो बर्निंग को अवॉइड करने के लिए आप इसको चलाती रहें। अभी भी देखिए इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि छान के हमें हटाने होंगे। तो अब ये 3 से 4 मिनट्स में बॉयल हो गई है, तैयार है चटनी। अब इसको हम छान लेंगे, फाइनली अब हम इसको छानेंगे, और जल्दी से ये हो जाता है, छन जाती है चटनी। इसको इस तरीके से आप घुमाते हुए कलछरी की हेल्प से छान सकती हैं, जल्दी जल्दी से छन जाती है। थोड़ा सा ट्रिकी है और टाइम टेकिंग है, हाफ एन आवर में ये चटनी तैयार हो जाती है, बट आपके 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए, और डिपेंड करता है कंजप्शन पे, चटनी तैयार हो जाएगी और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चटनी बन जाएगी। अब देखिए अब ये हमारी छन गई थी चटनी, और इसमें मैंने जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो अब इसमें मिला रही हूँ। मेलन सीड्स, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सौंठ जो जिंजर, ड्राई जिंजर पाउडर होता है, वो सब हम इसमें ऐड करके, और ये देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इवनली। अब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे, एंड उसके बाद ही इसको हम एक ग्लास जार, सूखे ड्राई ग्लास जार हो, सूखे ग्लास जार में हम इसको स्टोर करके रखेंगे। रूम टेम्परेचर पे जब ये आ जाता है तब हम इसको फ्रिज में अब स्टोर करके रख देंगे। तो ये देखिए इस चटनी तैयार हो गई है, बन गई है, और बहुत ही अच्छी टेस्टी चटनी बनी है, और हेल्दी तो है ही है ये। तो ये बहुत ही अच्छी है डायबिटिक पेशेंट्स एंड एनीमिक पेशेंट्स के लिए भी। तो ये रेसिपी आप ज़रूर घर पर ट्राई करें, एंड अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो, ये रेसिपी, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर।